हाँ तो भाई मैं पुराने स्टेट्स के साथ आपके सामने फिर से वापस आ चुका हूँ, तो वेलकम बैक करिए यार। है देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच है। देखिए हम जो पुराना स्टेट्स इसलिए नहीं कर दिए थे क्योंकि इसमें मेरे को कुछ अपडेट करना था, इसके लिए 2 से 3 दिन का समय लगता, मगर हमको नहीं पता था कि आप लोग इस स्टेट्स के इतने सारे दीवाने हैं कि पूरा कमेंट बॉक्स भर गया भैया कि नहीं यही चाहिए हमको, यही चाहिए हमको, इसलिए हमको लाना पड़ गया। नहीं तो हमारा नियत खराब नहीं था, इसको हम रोके थे इसलिए, नियत अच्छा से रोके थे। क्या था इसमें कि कुछ मेरे को चेंजिंग करना था, मगर आप लोग करने नहीं दिए। इसके लिए कम से कम 2-3 दिन का शटडाउन चाहिए ही चाहिए चेंज करने, तभी वो चेंज हो पाता है। ठीक है तो बताता हूँ क्या चेंज करना, बहुत अच्छा चीज़ मैं लाने वाला था जिससे कि और भी इंप्रूवमेंट होता, लोगों को टीम बनाने में अच्छा टीम बनता और भी। ठीक है तो वो चीज़ें मैं अभी इसमें नहीं ला पाया हूँ। ओके बस जो था पुराना वही लेकर के आया हूँ जैसे चल रहा था अभी, ठीक ना, चेंजिंग नहीं हुआ। तो देखिए क्या क्या भैया, तो मैच नंबर 60 हो गया, स्वामी मान सिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है मैच होगा 14 मई 3:30 बजे मैच होगा ये। ओके चलिए अगर आगे बात करें यहाँ सब कुछ स्टेट्स को समझते हैं, उससे पहले एक चीज़ बस रिक्वेस्ट रहता है आपसे हमेशा कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, वीडियो को लाइक कर दिए। लाइक करने का भाई एक कारण भी है यार, अगर इतना मैं लाइक नहीं करें फिर कितना मैं लाइक करेंगे यार। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या पिच रिपोर्ट है, हेड टू हेड है, एवरी प्लेयर स्टेटस एंड रिकॉर्ड है, प्लेयर बैटल है, मतलब कह सकते हैं बैटल यार, कौन कितना कब आउट करता है किसको ये पता चलेगा, प्लेयर परफॉर्मेंस मिलेगा, जीएल टिप्स मिलेगा, बेस्ट जीएल एंड एसएल टीम मिलेगा, 7 चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, तो भाई एक लाइक तो बनता है कि नहीं। जब वो कल का स्टेट्स में आप इतना लाइक दे सकते हैं तो इसमें तो बनता है भाई साहब, बनता है। ओके चलिए आगे चले, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ये आपके लिए टेलीग्राम है। ठीक है इस पर जो नए लोग समझिए मोर यहाँ पर क्लिक करना, मोर आपके वीडियो के जस्ट नीचे दिखाई देता होगा, मोर पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये टेलीग्राम का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है इसको बोलते हैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। ओके ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये टेलीग्राम पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है इस पर ज्वाइन जैसे ही करते हैं आपको यहाँ पर बस एक लाइक इसमें भी देना, और हम आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक है कोई लालच कोई उम्मीद नहीं हमसे। ओके बस यही चाहिए हमको, क्या लाइक और ये कमेंट, बाकी और पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं देना, ये ए क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी के नाम से। ओके और ये आपको कहाँ मिलेगा जानते हैं ना, ये लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन, और दूसरा मिल जाएगा कहाँ, कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टॉप में। और एक चीज़ और खुशी की बात है कि अपना चैनल जो है कि वेरीफाई हो गया, इतना साफ सुथरा अपना चैनल है कि वेरीफाई हो गया, आपको चैनल के आगे एक टिक दिखता है दिखता होगा। ठीक है तो वो टिक से कमेंट किया होगा इस वीडियो में, उसी पर जाके आपको ज्वाइन होना, फर्स्ट में दिखाई देगा ये लिंक आपको। ठीक है और टिक होगा उसके सामने उसी से, ये नहीं कि ये क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी के नाम से कोई और आगे कमेंट कर दे उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाएंगे, उसके चैनल पे चल जाएंगे, अब बोलेंगे भैया वहाँ पैसा लिया जा रहा है। ठीक है तो वो चीज़ नहीं होगा, आपका चैनल वेरीफाई हो चुका है ये। ठीक है तो वहीं से आपको ज्वाइन करना है, समझे, टिक लगा हुआ होगा याद रखिएगा। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपके लिए यहाँ पर स्वामी मान सिंह स्टेडियम पिच एनालिसिस, इसको देखिए आप सही से, पिच मतलब 50% जीएल जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको पता चलता है भैया यहाँ पर है क्या चीज़ एक्चुअल में। तो ये हो गया पिच और ये आपका हो गया ग्राउंड, ऐसे तो बड़ा खूबसूरत ग्राउंड दिख रहा है भाई, कितना खतरनाक मतलब जो सजाया गया है, ये अच्छा दिख रहा है। एवरेज स्कोर है 150 से 170 यहाँ पर बन जाता है, एवरेज मतलब है ना, समझते हैं ना, जो पुराने लोग तो समझते हैं मेरा मतलब क्या है एवरेज का मतलब, जो नए हो समझिए एवरेज का मतलब एक लिमिट होता है भाई साहब कि इतना तक बनता है यहाँ पर रन ज़्यादातर। एक एग्जाम्पल दे दें, सॉलिड एग्जाम्पल समझिए, अपना इंडिया में कितने फुट के इंसान होते हैं, जनरली 5 फुट है ना, उतना मानते हैं लोग ना, 5, 5.5 फीट 2 इंच ऐसा करके जनरली होता है। ठीक है अब कोनो 7 फीट, कोनो 9 फीट, कोनो 10 फीट ऐसा निकल जाए वो बात की बात है, मगर जनरली यहाँ पर क्या है 150 से 170 रन बनेगा, उसी जैसे इंडिया में जनरली पैदा होते हैं लोग 5 फीट से 7 इंच होते हैं। ठीक है सॉरी इंच नहीं यार फुट मतलब के, ठीक ना, उतना होते हैं। तो यही चीज़ है जनरली इतना यहाँ पर बनता है। हाइएस्ट स्कोर कितना है 214/2 है। ठीक है हाईएस्ट, इससे ज़्यादा बना ही नहीं है यहाँ पर, 2 विकेट गिरा है, 214 रन गया है यहाँ पर। ठीक है लोएस्ट स्कोर कितना है 92/10 गिरा है, मतलब 92 रन सबसे कम बना उसमें भी 10 विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ठीक है ना याद रखिएगा, मतलब कभी कभी यहाँ बॉलर भी हैं तो कभी कभी बैट्समैन भी यहाँ पर ठोक देते हैं। ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर ठोका हुआ भाई साहब, ये तभी से दिख रहा है। पिच सुटेबल फोर बैलेंस पिच है भाई, बैलेंस होगा ही होगा, जब ये भी ठोक रहा है एक बार और एक बार ये ठोक रहा है तो बैलेंस ना हो गया ना। हाँ तो ये बैलेंस टाइप का पिच आपका होने वाला है। अब बैलेंस पिच में भाई साहब थोड़ा खिलाड़ी बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। ठीक है तो आइए समझिए आगे आप किसके किसको लेकर चल सकते हैं अपनी टीम में। तो बैनू T20 स्टैटिक्स ये समझिए पहले, उसके बाद आगे और बात करते हैं। तो टोटल मैच 51 हुआ है यहाँ पर। ठीक है
टोटल मतलब 51 को आधे पैदा होवे किया यहाँ पर, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट बैटिंग ऑन 17 बार, ठीक है, फर्स्ट में बैटिंग करने वाला जो है टीम जो है कि 17 बार यहाँ पर जीता है। सेकंड में बैटिंग करने वाला टीम 34 बार जीता है। स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर कितना कितना कब कब रन बना है, तो ये देखिए बिलो स्कोर 150 16 बार, मतलब कि 150 से नीचे 16 बार यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद बिटवीन 150 से 169 19 बार यहाँ पर बना है, और बिटवीन 170 से 189 यहाँ पर 8 बार बना है भाई, देख सकते हैं। मतलब इसका मतलब बिटवीन का मतलब ये कि इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में 150 से 170 के बीच में 19 बार बना है, उसके बाद 170 से 189 8 बार, और उसके बाद एवा मतलब 190 से ऊपर कितना बार बना है, 8 बार यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो कितना है, 150 से 170 के बीच में यहां पर सबसे अधिक 19 बार बना है, इसलिए 170 हम भी एवरेज यहां पर लेके चल रहे हैं, ठीक ना। आगे अगर बात करें यहां पर तो देखिए क्या है, रिसेंट मैच एट वेन्यू, मतलब इस वेन्यू पर रिसेंट मैच जो हुआ वो किस टाइप का चला, यहाँ पर कैसा मतलब बीता, कितना विकेट स्पिनर, कितना विकेट फास्टर, कितना विकेट रन कितना बना है फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में, इसको जानिए। देखिए 7 मई 2023 को मैच हुआ है RR वर्सेस SRH के बीच में, ठीक है, इसमें 214 रन बनाया और 2 विकेट गवाया 20 ओवर में। उसके बाद SRH जब जवाब देने आती है तो भाई 217 बनाती है, 6 विकेट गवाती है 20 ओवर में, मतलब मैच को जीत जाती है मगर 20 ओवर ये भी खेल के जीतती है, इसको कहते हैं कुकपात के, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट में पेसर 2 स्पिनर 0 ले गया, फर्स्ट में कौन भाई, तो यहाँ पर SRH ये है, ठीक है, क्योंकि ये स्पिन ये फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है ना, ये फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, ओके, तो SRH हमारा ये हो गया। तो SRH की टीम में कौन, 2 सिर्फ पेसर जो है कि विकेट लिया, स्पिनर को विकेट नहीं मिला यहाँ पर, एक मैच की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर बॉलिंग करने आया कौन, SR यहाँ पर RR बॉलिंग करने आया, ठीक है, जब बैटिंग कर लिया तो भाई खाली हो गया, चल भैया तू बॉलिंग कर, अब ठीक ना, तो RR जब बॉलिंग करने आया तो राजेश RR का भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ, 1 स्पिनर ले गया और 5 यहाँ पर स्पिनर ले गया, पेसर जो है कि 1 ले गया फास्ट, ठीक है। तो ये इसका कहानी है एक बार का। दूसरा कहानी देखिए इसमें क्या हुआ भाई, तो RR वर्सेस CSK का मैच हुआ है, इसमें क्या किया भाई, तो 202 रन बनाया, 5 विकेट गवाया और 20 ओवर खेला। CSK 170 रन बनाई, 6 विकेट गवाई, 20 ओवर खेले, रन को चेज नहीं कर पाया, पूरा ओवर तो खेल लिया सब मगर उतना स्पीड से रन बना नहीं पाया जितना स्पीड से चाहिए था, क्योंकि राजस्थान के बैट्समैन थोड़ा स्पीड से रन बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर 214 बना दिया, यहां पर 202 बना दिया, मतलब राजस्थान 200 से ऊपर दोनों बार गया इसमें, और विकेट कितना गिरा, 5 यहां पर 2, ज्यादा विकेट नहीं गिरा राजस्थान का, ये सब है, ठीक है। उसके बाद इधर भी देखेंगे 2 क्या है, बाकी ये 2 से समझिए, फर्स्ट पेसर में 2 और स्पिनर 2 ले गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेसर 1 स्पिनर 5 लेके गया, सेकंड मैच में जो है कि राजस्थान यहां भी सेकंड बॉलिंग किया है, तो स्पिनर यहां 5 विकेट लिया चेन्नई का, यहां भी राजस्थान अगर यहां पर बॉलिंग किया है तो यहां पर भी स्पिनर 5 विकेट लिया, मतलब सेकंड इनिंग में राजस्थान का स्पिनर जो है थोड़ा सा हावी हो रहा है। अब स्पिनर किसको बोलते हैं पता है ना, आगे सब कुछ दिखाते हैं कौन यहाँ पर कितना विकेट लेके जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पर समझिए स्पिनर और किस टाइप के स्पिनर, वो मैं दिखाता हूँ आगे, ओके। उसके बाद देखिए 5 मई का एक मैच हुआ, यहाँ पर भी RR पहले बैटिंग किया और GT यहाँ पर उसको जवाब देने आए थे, ठीक है। तो इसमें 118 रन बनाया RR, 10 विकेट गवाया 17.5 ओवर में। हो सकता है दोनों हमारे ओपनर आउट हो गए होंगे, बटलर और ये क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, नाम बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस बंदा कर रहा है ना, जयसवाल है ना, तो जयसवाल हो सकता है आउट हो गया इसलिए ऐसा कारण यहाँ पर दिखाई, नहीं तो दोनों में से एक भी कोई रहता ना तो बहुत फाड़ू चलता भाई, ये राजस्थान का खूबी है। और संजू सैमसन है ही मतलब बीच में कवर करने के लिए, चल बेटा हम हैं साथ में, है ना। तो ये चीजें हैं, यहां पर 118 रन ही बन पाया था, जवाब देते हुए 119 बना दी, 1 विकेट में 13.5 ओवर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट में पेसर यहां पर 3 तो स्पिनर 5 और सेकंड में पेसर 0 तो स्पिनर 1। अब तीन मैच को कौन देख करके नहीं समझ पाया कि भैया यहां पर स्पिनर थोड़ा सा ज्यादा विकेट ले रहा, अगर तीनों मैच का हम सिर्फ एक ही इनिंग की बात करते 5 10 15 तो हमको स्पिनर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और मैच हुआ LSG वर्सेस RR का, RR में क्या सेकंड चेस करने चली है, तो चेस करने में क्या हुआ भाई, 154 रन बनाई, 7 विकेट गवाई 20 ओवर में, ठीक है। चेस किया ये तो यहां पर 144 बना पाया, 6 विकेट गवाया 20 ओवर में, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट पेसर कितना 2 ले 3 ले गया और स्पिनर 2 ले गया, टू एंड पेस कितना ले गया भाई 5 तो स्पिनर 0 ले गया, मगर फिर भी अगर हम मोटा मोटे पूरा मिला के चले तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पिनर का दबदबा थोड़ा सा ज्यादा है और स्पिनर थोड़ा सा ज्यादा विकेट यहाँ पर लेके गए भी हैं। अब पेसर ये कौन है, किस टाइप का पेसर है जो विकेट ले लिया है, इसको भी देखते हैं आगे हम लोग, ठीक ना, सब कुछ समझते हैं आगे हम लोग। भाई साहब वीडियो में हम पूरा जान लेके आते हैं, इसलिए अगर एक लाइक मांगते हैं तो कोई कमी नहीं करते हैं भाई साहब, हम मांगेंगे भी, देने वाला देगा नहीं देने वाला नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं, मगर मांगूंगा क्योंकि इसमें जान मैं डालता हूं भाई साहब, ठीक है। लास्ट 4 मैच बॉलर्स विकेट ऑन पिच
ऑन पिच मतलब बॉलर्स लास्ट चार मैच में कितना ले गया वो समझिए, आरएएफ मतलब राइट आर्म फास्ट जीरो विकेट ले गया, लास्ट चार मैच हुआ यहां पर जीरो विकेट। अब इस टाइप के बॉलर को आप लेते थोड़ा सा रिस्क आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि चार मैच में उनको जीरो विकेट मिला, जहां के पांच पांच विकेट एक एक इनिंग में गिरा, स्पिनर लेके गए वहां इनको एक भी विकेट नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसी का जुड़वा मैं जस्ट ले लेकर आ रहा था कि भाई साहब यहां पर बैट्समैन कैसे चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन कौन कैसे चल रहा है, सेकंड इनिंग में कौन बैट्समैन अच्छा चलता है, वो मैं लाने वाला था, मगर नहीं आ पाया, क्योंकि भाई हड़बड़ा गए लोग कि नहीं हमारा ये चाहिए, इसलिए दिक्कत हो गया। ठीक है, फिर भी मैं लाऊंगा जैसे ही मेरे को थोड़ा मौका मिलेगा कि मैच कुछ कम है भाई साहब, उठा के ले आऊंगा उसको। ठीक है, अपडेट कर दूंगा, अपडेट करने भाई साहब 3 दिन समय लगता है, तभी जाके ये स्टेट्स बनेगा, उसको घुसेड़ा जाएगा, उसमें फिक्स किया जाएगा, तब आपके सामने आएगा। ठीक है, तो अब इसको समझिए, लास्ट चार मैच में यह बॉलर कौन यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देख सकते हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम 9 विकेट, ये थोड़ा सा ऊपर है, उसके बाद राइट आर्म मीडियम ये 3 विकेट ले गया है, इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट आर्म फास्ट भी यहाँ पर 5 विकेट ले गया, उसके बाद LB यहाँ पर 11, मतलब अगर घमासान है तो इन दोनों के बीच में है। अब ये नंबर समझ लीजिए, राइट आर्म फास्ट मीडियम और LB, इन दोनों के हिसाब से आप टीम को क्रिएट कीजिए, बाकी इसमें अगर बढ़ाना चाहते हैं आप तो एक आध दो मतलब बॉलर कर सकते हैं, इसमें से किसको लेकर चलेंगे, मान लीजिए इसमें से आरओबी को ले लेंगे, एक तो इसमें से लेकर चल सकते हैं। ठीक है, मगर इन दोनों के ऊपर नजर आपका ज़्यादा होना चाहिए इस मैच में। ओके, तो चलिए इन दोनों को पकड़िए आप, मैं ये चीज़ लिखा हुआ दिखाई दूंगा, हर वीडियो में दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं हर खिलाड़ी के ऊपर ये लिखा दिखाई देगा, कौन ये है राइट आर्म फास्ट मीडियम, कौन है बॉलर, उसको आप चूज़ करते हुए चलेंगे, लिखते हुए कहीं चलेंगे। ठीक है, साथ में टीम बनाते हुए चलिए आप मेरे साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देख लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको भी आसानी हो टीम बनाते टाइम। ओके, ये आपका बाउंड्री का डायमेंशन देख रहे हैं पूरा यहाँ पर, अरे चल रहे ये नहीं चल रहा, मूड खराब है, मेन टाइम पे यार धोखा बोलते हैं ना, ताव में धोखा वाला काम नहीं है ना, ताव जब लगा चल ऐसे है ना, चलना चाहिए इसको। तो ये है आपका बाउंड्री डायमेंशन। ठीक है, 61, 57, 62, 78 और 77 है। ठीक है, इसको इसके ऊपर हम लाने वाले थे कि यहाँ पर कौन बैट्समैन मारता है, यहाँ पर ज्यादा कौन मारता है, यहाँ पर ज्यादा, भाई इसके टाइम लगेगा तभी हम इसमें घुसर पाएंगे, क्योंकि इसमें ये स्टेट्स में घुसरना इतना आसान नहीं है, वो चीज़ों को ये बनने के लिए कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तब जाके बन पाएगा, वही शटडाउन लिया आएगा, देखते हैं कब शटडाउन होता है अपना, मगर बाकी सब चीज़ आपके लिए आएगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो दे देगा आपको ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, झूठ झाट बोलने वाला काम अलग होता है, वो चीज़ मेरे पास नहीं होता, जो है सच्चाई ये है। ओके, इसी के लिए लोग कल बेताब हो गए थे, इसलिए बोल रहा हूँ जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। ओके, इन दोनों के बीच में देखिए क्या हुआ है, हेड टू हेड मैच, हेड टू हेड मतलब क्या होता है, आमने सामने दोनों का मैच हुआ है, तो क्या हुआ है दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में राजस्थान और बेंगलोर के बीच में जब मैच हुआ तो क्या हुआ है समझिए, 29 मैच इन दोनों के बीच में, 29 टक्कर करवाए गए दोनों के बीच में, चल लड़। ओके, लड़ने के बाद क्या है, 12 बार यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ठीक है जीती है, तो 14 बार यहाँ पर या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 14 बार ये, 2 बार आगे है बेंगलोर इनसे, राजस्थान से। उसके बाद क्या है, प्रीवियस मैच रिजल्ट, अभी के प्रीवियस में समझिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर राजस्थान विन लॉस 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 विन, और यहाँ पर बेंगलोर क्या है, तो यहाँ पर लॉस लॉस विन विन लॉस, अगर 5 मैचों की तुलना करें तो यहाँ पर 2 बार सिर्फ यहाँ पर जीती है क्या राजस्थान, और ये भी 2 बार जीता है, बेंगलोर भी 2 बार जीता है भाई साहब। ठीक है, 3 बार ये भी लॉस, तो 3 बार ये भी लॉस, मगर फर्क यही है कि राजस्थान विन करके आ रही है, बेंगलोर लॉस करके आ रहा है, 2 बार लगातार लॉस करके आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो पॉसिबल प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स, पॉसिबल प्लेइंग 11 मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके आप इसका नंबर देख सकते हैं, कौन कौन कैसे उतरने वाला है, बाकी कप्तान ये है इनके हाथ में होता है कि कभी इनको भी यहाँ पर भेज सकते हैं, अपने यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, मगर संभावित ये होता है। ओके, इसमें आपको दिखाई देगा कौन हमारा ऑलराउंडर है और कौन नॉर्मल बैट्समैन है। ठीक है, कौन हमारा कैप्टन है और कौन हमारा कीपर है, कौन विदेशी है, कौन अपना देसी है, सब आपको दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलिए यहाँ पर चलते हैं, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ये आपका है। अब इसको समझिए पारा पारी लाइन से कि कौन कौन कैसे कैसे उतरेगा, कितना 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 मान सकते हैं इसको, दिस IPL कितना रन बना, इसका दिस IPL में कैसा परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड मतलब दोनों के आमने सामने में कैसा है, वेन्यू पे मतलब कि इस ग्राउंड में कैसा है, रिसेंट परफॉर्मेंस मतलब कि रिसेंट परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, यहाँ पर जोश बटलर नाम भी दिख जा रहा है आपको प्रेस में, RHB बैट्समैन किस हाथ से खेलता है, टोटल चीज इसमें कोई चीज का कमी नहीं है। ठीक है, तो समझने वाला समझेगा सही से, जोश बटलर राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पर दिस IPL 12 और 392 रन बनाया, उसके बाद एवरेज 32 का रहा था पूरे IPL ओवरऑल मैच में। ठीक है, इस IPL का विषय में बात कर रहा हूं, दिस IPL। उसके बाद हेड टू हेड में 14 मैच इन दोनों के बीच में खेला गया। ठीक है, इनके साथ में 14 मैच
टच जो टीम अपोजिट है उसके साथ में खेला गया। रन्स कितना 416 बना है, तो एवरेज यहाँ पर 37 का एनकर आता है इनके साथ है। मगर दिस सीजन से मतलब आईपीएल से पूरे से भी अच्छा इनका रन रेट इस टीम के साथ में, जिस टीम के साथ में इनका कह सकते टक्कर होने वाला, ठीक है। वेन्यू पे क्या है, 14 मैच खेले हैं, रन 604 है, एवरेज 50.33 का। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 0, 95, 8, 18, 27। कह सकते हैं जोश बटलर का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है पूरा, जहां भी देखिए आप 37, 32, 50 हेट वेन्यू पे, इस जगह पे 50 इनका, ठीक है, स्टेडियम में 50 का यहाँ पर है, तो अच्छा खासा पिक आपके लिए हो सकते हैं जोश बटलर। यशस्वी जायसवाल भाई 12 मैच है, 575 रन यहाँ पर है, एवरेज 52 का रहता है इनका, ठीक है, ओवरऑल दिस सीजन आईपीएल का। और यहाँ पर हेड टू हेड के 4 मैच खेले हैं, 103 रन बनाए, 25 का एवरेज है, वेन्यू पे 4 मैच खेल के 42 का एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 98 नबाद है, 35 है, 14 है, 124 है, 77 है, भाई कह सकते हैं दोनों ये परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा दे रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मगर फिर भी आपको किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, अब मेरे हिसाब से ड्रॉप जायसवाल को ही कर दिया जाए, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये आता है कि दो टीम रखेंगे भैया, एक को इसमें एक को इसमें रखेंगे, और तीसरा एक टीम जो बनाएंगे उसमें दोनों को लेकर चलेंगे। मतलब तीन टीम अभी के हिसाब से बनने चाहिए जैसा कि ये स्टेटस दिख रहा है अपने पास, ठीक है। आप अगर मान लीजिए दोनों को लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है किसी मैच में एक में कल फ्लॉप हो सकता है कोई भी, जैसे यहाँ पर फ्लॉप हुआ ना एक बंदा ना, तो आपका टीम पूरा खराब हो जाएगा। मगर आप जब दो रखेंगे तो एक में ये फ्लॉप हुआ चल ये वाला है ना एक में ना चलेगा, है ना। तो इस टाइप से आप यहाँ पर तीन टीम मेरे हिसाब से सुझाव से बना सकते हैं अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अरे वापस कैसे रहे, वापस ना हो, बस कंट्रोल, हाँ भाई कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ये साला कीड़ा मकोड़ा जो है ना थोड़ा सा आ जाता है ना उसमें गड़बड़ा जाता है, ठीक है। संजू सैमसन राइट हैंड बैट्समैन है, 35 का यहाँ पर एवरेज इनका, ठीक है, दिस सीजन में, और यहाँ पर 19 का एवरेज है हेड टू हेड में। और वेन्यू पे क्या है, तो भाई 30 का एवरेज है रिसेंट परफॉर्मेंस में, 48 नबाद है, 66 नबाद है, 30 है, 14 है, 17, देख सकते हैं तीनों बैट्समैन ओवरऑल एकदम फुल फॉर्म में चल रहे भाई साहब। मगर तीनों कल नहीं चलना है, एक तो कोई ना कोई फ्लॉप होना ही होना है, ये चाहे जो भी हो जाए। तो जो भी टीम हमसे बनेगी भाई साहब, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री सेवा, कोई पैसा कौड़ी आपको नहीं देना, जो पैसा मांगे उसको भी नहीं देना, याद रखिएगा, कहीं किसी चीज के लिए पैसा एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी के नाम पे नहीं देना, कोई दूसरे नाम से मांगे तो आप दे सकते हैं, आपका पैसा लुटाइए कोई दिक्कत नहीं, ओके, वो आपकी मर्जी है। मगर मेरा सुझाव जहां तक है आपको किसी चीज के लिए भी कोई को पैसा नहीं देना, ठीक है, इतना याद रखिएगा, तभी जीएल की दुनिया में सक्सेस है, नहीं तो लूटने खाने वाले बहुत बैठे हैं भाई साहब, आप घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, आपको लूट के लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अब जो रूट यहाँ देखिए भाई, राइट हैंड बैट्समैन ये भी है, यहाँ पर दिस सीजन कह सकते हैं विकेट 0 है, और 2 मैच खेले हैं, कोई रन नहीं है, अपडेट वेन्यू पे भी कुछ ये है, हेड टू हेड पे कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे एक मैच खेल के यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में कोई नहीं है विकेट यहाँ पर भी, और मौका ही नहीं मिला, फिर 17 है, फिर 3 है, फिर 35 है। देखिए अगर बात करें दो तीनों में से जो है, तीनों में से एक भी कोई फ्लॉप होता है तो इनका नंबर आ सकता है, ठीक है, और जब आएगा नंबर तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये भी देंगे। बेशक कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर जो रूट एक अच्छा बैट्समैन है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो एक टीम में ये आपके लिए जगह बन सकते हैं। उसके बाद क्या है, सिमरन हिटमायर लेफ्ट हैंड बैटर है, 36 का एवरेज है, उसके बाद 47 का हेड टू हेड में एवरेज है भैया, और वेन्यू पे 6 का एवरेज है, मतलब 5 मैच में 6 का एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 7 नबाद है, 7 है, फिर 8 है, फिर 8 है, बहुत दिन से बंदा फ्लॉप चल रहा है, मगर हेड टू हेड में ठीक है, मगर वेन्यू पे यार 5 मैच में 6 का एवरेज कुछ नहीं, मतलब गजब नहीं लग रहा है, 25 रन सिर्फ बना पाए, मौका ही नहीं मिलता होगा, इतना नीचे आई भी नहीं करता होगा, सब वे लोग खेल के खत्म कर देगा, क्या बेचारा मारेगा, है ना, यहाँ पर 7 रन नबा देता है ना, तो ऐसा मौका है भाई साहब, तो देखना पड़ेगा भाई, अगर दो को आप ड्रॉप करेंगे आगे से तब इनको अगर टीम में लेके जा सकते हैं, नहीं तो लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तीनों काफ़ी है, बहुत टिक के खेले सब है ना, तीनों चारों बहुत मतलब भयंकर कर सकते हैं भाई साहब। ध्रुव जुरेल भाई 23 का यहाँ पर एवरेज है, ठीक है इनका, उसके बाद हेड टू हेड में एक मैच खेले हैं, 34 का यहाँ पर नबाद पारी है, वेन्यू पे 4 मैच खेल के 14 का यहाँ पर एवरेज है इनका, रिसेंट परफॉर्मेंस में 9, 2, 34 यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मगर हाँ इतना जान लीजिएगा, कोई एक प्लेयर आपको इस टाइप में से लेना पड़ेगा जिससे कि आपका हेड मतलब कह सकते हैं हेड टू हेड तो अलग टीम होती है, ये ग्रैंड लीग में काम कर सके, ठीक है, ग्रैंड लीग में एक तो चाहिए चाहिए जो रिस्क पूरा फुल ले, क्योंकि भाई वो सब तो सब लेके चलेंगे, इतना तो फिक्स है, जो उसको यशस्वी को सैमसन को सब लेके चले कोई नहीं छोड़ने वाला है, तो आपको तो अलग करना पड़ेगा ना, सबके साथ थोड़े जा पाएंगे एक नंबर पे, है ना, नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम पिछला मैच में हेड टू हेड खेले तो चेंज कर दिए, अकेले जो ये है ना क्या बोलते हैं क्या तो नाम था इसको सिर्फ कैप्टन बना, वह अकेले मेरे को जिता दिया, 4 लोग में हेड टू हेड खेले थे हम, जीत गए उसमें तो ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज चाहिए आपको, बाकी वो लोग सब बड़ा बड़ा प्लेयर लेके चलो नेचर बड़का बड़का घंटा बड़का बड़का सब घुसुड़ गया अंदर, तो होता है ऐसा, कभी नहीं ये नहीं है सब लोग बड़का बड़का लग जाएंगे, आपको थोड़ा चेंज करना ही करना पड़ेगा टीम, तब जाके यूनिक टीम उसको बोलते बनेगी, ठीक है। तो रिस्क आप अपने ऊपर ले सकते हैं, किसको लेना है मैं सारा स्टेट्स आपको दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप रिस्क लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए
रवि अश्विन के, तो भाई साहब यहाँ पर दिस सीजन में 12 मैच खेल के 14 विकेट ले चुके हैं और 67 यहाँ पर रन सिर्फ बनाए। रन से मतलब उम्मीद इनसे नहीं रखना है, विकेट से आप उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। और हेड टू हेड में भाई 26 मैच खेल के 23 विकेट है और वेन्यू पे 11 मैच खेल करके 11 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-1, 2 पे 0 है, फिर 8 नबाद पे 2 है, फिर 1 नबाद पे 2 है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आरओबी है, आरओबी को पता ना विकेट उसमें था कि नहीं, देखें कि नहीं ऊपर में देखे होंगे तो शायद याद होगा, अगर होगा तो एक बार को लेके चलेंगे आप, ठीक है। राइटर मीडियम है ये, ठीक है। किम आसिफ की, तो भाई यहाँ पर 3 मैच है, 1 विकेट है और हेड टू हेड कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे भी कुछ भी नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 1 मैच है, फिर 0 विकेट 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 विकेट है। मतलब कभी चले तो यहाँ पर 3 है ना, तो फिर नहीं ना, बहुत मतलब रिस्क कर सकते हैं। जीएल के लिए आप एक बार को पिक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप गलती से भी 2-3 विकेट ले लिए तो आप तो जीएल में एक तरफा मतलब जीत जीत जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको लेके जाने वाला कोई नहीं है। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है ये, ओके, ये फास्ट ओपनिंग करने आते हैं। अब इतना ध्यान देना कि अगर ओपनिंग करने आ रही है तो अपोजिट टीम का कोई ना कोई ओपनर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। भैया ये स्टार्टिंग में विकेट लेते ही लेते हैं, ये रिकॉर्ड है आज तक, ठीक है। अब आपका किस्मत अच्छा हो, आप इनको लिए हैं और उधर से विकेट ना गिरा तो बात की बात है, मगर हमेशा इनका देखा गया कि फर्स्ट बॉल पर ही विकेट इनको मिलता है, मतलब फर्स्ट ओवर में मिल ही जाना, ठीक है। पावर प्ले में विकेट 9 मैच खेल के 12 विकेट है, ऐसे ही नहीं है, है ना, आया है। और हेड टू हेड में 11 मैच खेल के 16 विकेट है, 8.5 का इकोनॉमी है, वेन्यू पे 4 मैच खेल के 4 विकेट है, ठीक है। इकोनॉमी 7.5 का, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2-0-1, 2-1। ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। संदीप शर्मा की बात करें तो भाई राइट आर्म फास्ट मीडियम में, मिला लीजिएगा वहां पर किसका ज्यादा विकेट था, इन दोनों में से देख सकते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। जो उसका वहां पर ज्यादा विकेट था उसको आप एक बार को ट्राई करेंगे अपने टीम में। 10 मैच खेला भाई, यहाँ पर 9 विकेट लिए हैं, ठीक है। अब हेड टू हेड में 17 मैच खेल के 25 विकेट है, 7.5 का इकोनॉमी रहा है। अरे साला इतना खतरनाक यार स्पीड पकड़ रहा है कि सब मारकर पड़कर सब बुला जा रहा है यार। वेन्यू की बात करें तो भाई 5 मैच है, 2 विकेट लिए हैं और 7.5 का इकोनॉमी है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ज़्यादा कुछ खास नहीं है परफॉर्मेंस, मगर फिर से वही बात बोलूँगा, देख लीजिएगा बॉलिंग वाला सेक्शन जो मैं बताया ऊपर में आपको, ठीक ना, जरूर। युजवेंद्र चहल लेग ब्रेक देख सकते हैं, लेग ब्रेक यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट भी लिया हुआ, ठीक है। 12 मैच है, 21 विकेट है, जो मैंने पिछला दोनों ये जो दोनों मैच गुजरा उसमें मैंने प्रेडिक्शन किया था आपको, दोनों मैंने कैप्टन को बनाकर रखा, ठीक है। और आप भी मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग बनाए थे, लिए तो जरूर थे अपने टीम में, ये कैसे, क्योंकि हम लोग दोनों मैच में देखे थे कि भाई लेग ब्रेक में अच्छा चलता है और अच्छा देखे 4-4 विकेट बंदा लेके गया अभी था, ठीक है। मगर यहाँ पर लेग ब्रेक है, एक साथ राइट आर्म फास्ट मीडियम है, दोनों यहाँ पर चलाया अच्छा, ठीक है। तो दोनों में से आपको लेकर चलना पड़ेगा, ओके। 7.5 का इकोनॉमी है भाई, 12 मैच में 21 विकेट कुछ कहलाता है ना। हेड टू हेड 5 मैच है, 5 विकेट है और वेन्यू पे 6 मैच खेल करके 7 विकेट लिए हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस में 4-4-1-0-0, इधर तो बड़ा 0-0 अच्छा लड़ा, मगर इधर से चलाओ 4-4 विकेट फाड़ के, है ना, जो भी लिया सबका दान हो गया, कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कल्याण हो गया वो चीज़ हो गया, ठीक है। बेंच प्लेयर देखिए, बेंच प्लेयर में ये इम्पैक्ट है आपके सामने, अब इम्पैक्ट में इसमें से किसको लेकर के आता है, देवदूत पार्टिकल वगैरह किसको लेकर के आता है कोई पता नहीं इसमें, ठीक है। मैं 5 इम्पैक्ट में डाला हुआ है, बाकी ये सब बेंच प्लेयर है, किसी को भी कुलदीप सेन वगैरह किसी को भी खिलाने के लिए लेकर के ये आ सकते हैं, देख सकते हैं ये आपके सामने, ठीक है। एडम होल्डर वगैरह सबको रखा हुआ है बेंच पे, तो कोई भी इसमें चेंजिंग हो सकता है, जो भी चेंजिंग होगी सब आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया जाएगा, उसी के हिसाब से टीम आपको बना के दिया जाएगा। यार यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर ये भी समझिए, ये बहुत जरूरी है। कौन कौन स्टार्ट कर रहा है, ट्रेंट बोल्ट, मैं बोला ना कि स्टार्ट करते हैं ये, अब स्टार्ट ये 6 ओवर में 1 विकेट इनको चाहिए ही चाहिए, शुरू के चाहिए ही चाहिए इनको, पावर प्ले किसी भी हाल में मिल ही जाता है इनको, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट है, संदीप शर्मा है और रविचंद अश्विन है, उसके बाद लास्ट में कौन करता है एंड में, तो भाई युजवेंद्र चहल, किम आसिफ और उसके बाद संदीप शर्मा। तो भाई साहब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट के डेथ ओवर वाले बॉलर बहुत खतरनाक है, और खासकर जो एलबी वाला मैं दिखाया आपको वो, और जो राइट आर्म फास्ट मीडियम होगा, ठीक है, संदीप शर्मा शायद है, वो भी बहुत खतरनाक है। और कब, जब इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग करके सेकेंड ये बॉलिंग जब कर रहे हैं ना, तो भाई सामने वाला फट जाएगा। अगर ज़्यादा रन मान लीजिए बटलर, यशस्वी और सैमसन मिल के अगर मान लीजिए 220 उस रन अगर मार दिए ना, तो फिर ये जब बॉलिंग कराएंगे ना और लास्ट के जब मैच फंसा रहता है तो उसमें किसी तरह मार तो मार ऐसा होता है, ठीक है। अब मार तो मार में क्या होता है ना कि चल भैया विकेट जाए चाहे आए, क्योंकि उस समय विकेट का चिंता नहीं नहीं रहता है, हमको जीतना है और ये लास्ट ओवर ये लोग करवाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मगर ट्रेंट बोल्ट स्टार्टिंग के लिए
फिक्स है, स्पेशल कह सकते हो, ठीक है ना, मिलना ही मिलना है। प्लेयर बैटल मतलब कौन किसको आउट कर रहा है ये समझिए। आउट करने में कौन है भाई, तो जोस बटलर देख सकते, इनको कौन आउट करता है, मोहम्मद सिराज है, हेजलवुड है और हसरंगा। सबसे ज्यादा कौन खतरनाक है, मोहम्मद सिराज, दो बार इनको आउट किया 41 रन देकर के 29 बॉल में, ठीक है, बाकी ये लोग एक एक बार आउट करके रखे हैं। उसके बाद संजू सैमसन को कौन करता है, हसरंगा और पटेल। हसरंगा भाई साहब 6 बार आउट किया, ठीक है, 43 बॉल फेंक के 40 रन। देखिए जब ये बैटिंग करने आएंगे ना तो हसरंगा का आना तो बिल्कुल तय है, अगर खेले हसरंगा खिलाया गया तो इनको पक्का तय है कि हसरंगा बॉलिंग करने आएंगे, क्योंकि ये 6 बार इनको आउट कर चुके हैं। इसके सामने स्ट्रगल करना, इसका मतलब यही है आपके सामने जो ये प्लेयर बैटल लाया ना, इसका मतलब स्ट्रगल करना, कौन इसके सामने कमजोर पड़ता है, स्ट्रगल करना होता है, ठीक है, जूझते हैं इनसे ये, तो ये है, ठीक है। हर्षल पटेल है, हालांकि 14 बॉल में 16 रन देकर एक बार लेते हैं, मैं सबसे अधिक खतरनाक हसरंगा, हसरंगा यहाँ पर भी एक बार है, मगर इनके लिए जोश बटलर के लिए सिराज है। ओके, ये सस्वी जयसवाल के लिए कौन है भाई, तो हेजलवुड है और पटेल है, ये एक एक बार सिर्फ लिए, ज़्यादा नहीं लिए। हेजलवुड का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं, 13 बॉल फेंक 38 रन देकर के लिए। हाँ, पटेल साहब 14 बॉल फेंक करके 13 रन देकर के एक बार ले लिया, ठीक है। सिमरन हेटमायर को कौन कौन करता है भाई साहब, हेजलवुड, सिराज और हसरंगा, ये तीनों एक एक बार आउट करते हैं हेटमायर को, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट लेते रहा कि धड़ाधड़ ठीक है, अगर देख करके आप टीम बना लिए तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात जिसे मैं खुद रोज जीतता हूं भाई साहब, 10-15 हज़ार 20 हज़ार का मैं मोहताज कभी नहीं, रोज का मैं बता रहा हूं, तो आपके लिए भी ये मैं लेकर के, मिनिमम आप 100 रुपये डिपॉजिट करके भी यहां पर 15% एक्स्ट्रा कैश ले सकते हैं, रियल कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको मिलेगा। अभी लिंक नीचे डाउनलोड कीजिए और फट से जाकर के 50 रुपये का मतलब वो भी मिल जाएगा, कूपन कोड भी आपको साथ मिल जाएगा, ए गुरु जी कोड है ना अपना, उसको डाल दीजिएगा, ठीक है, और ऑलरेडी डाला भी जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, 39 में आपको 5 लाख का लीग मिलता है, 1899 में देख सकते हैं 1 लाख का लीग मिलता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर प्रिडक्टर लाइव है, मतलब ये देख सकते हैं, ये सबसे अच्छा चीज़ आपके लिए है, इसमें अपना भी नाम है, ठीक है, देख सकते हैं ए क्रिकेट एक्सपर्ट हो ना, यहाँ पर देखना गुरु जी लिखा है ना, तो ये अपना सी ग्रुप में डाला हुआ, हम लोग का टीम बना इसमें, इसमें सारे क्रिकेटर हैं और हम लोग का साथ है, मतलब मैच कराया जाता है कह सकते हैं, ठीक है। उसमें आप पैसे लगाते हैं, हमारे नाम पे चाहे लगाएंगे आप, मेरे टीम पे चाहे इनके टीम पे लगाएंगे, जिसके भी साथ है मेरा भिड़न, तो इनके साथ भी लगा सकते हैं, इनके साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे टीम में आज लगाया था, सबका सब जीते उससे, तो ये सब चीज़ें होती है, इसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं, इसमें भी ये ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद अगर बात करें तो देख सकते हैं ये क्या है, क्लासिक देख सकते हैं यहाँ पर 5175 रुपये, ये सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छा लीग मेरे को लगता है। दो लोग सिर्फ रहते हैं भाई साहब, जीत गए तो मान लो 5000 रुपये प्रॉफिट हो गया, दिन बैठे बैठे कोई मतलब नहीं है, कहीं जाने का मतलब नहीं है, अरे धड़ाप सब किनारे कर कर हम जीत गए, ठीक है। एक सबसे बड़ा बात यहाँ पर देखा 2749 में, यहाँ पर भी 5000 का कम बजट है, तब यहाँ पर 1699 का है, यहाँ पर 8949 का अगर ज़्यादा बजट है तब, मतलब इसमें रोज आदमी जीत सकता है, मगर मैं वही चीज़ बोलता हूँ हमेशा, जीएल में रोज़ आप नहीं जीत सकते, इतना जान लीजिएगा, ठीक है, रोज का दिन नहीं, मैं इसमें आप रोज़ जीत सकते हो, क्योंकि बस आपके पास इतना नॉलेज आ गया ना, और मैं इतना नॉलेज आपको देता हूँ ना कि आप टीम बना फॉलोअप हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब इतना जान लीजिए ना, इस याद रखिएगा, जब दो लोग को नहीं हरा पाएंगे अपनी टीम से, तो आप कभी मत सोचिए कि हम 1 करोड़ लोग को हरा सकते हैं, कभी मत सोचिए ये चीज़ को, ठीक है। इसलिए इसमें प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए, मैं नहीं बोलता कि उतना ही लगाना, कम कम का भी लगता है इसमें, आप आइए तो सही, पहले डाउनलोड कीजिए, देख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ प्रिडक्टर, राजस्थान विल विन द मैच अगेंस्ट बेंगलोर, कौन जीतेगा भाई, अपना ओपिनियन फ्री में क्यों दे रहे हैं भाई साहब, काहे दे रहे हैं, यहाँ पर लिखिए ना, यहाँ पर है ना, 5 रुपये लगा दीजिए, यस चाहे नो में, कौन जीतेगा भाई साहब, राजस्थान जीतेगा तो यस, नहीं जीतेगा तो नो, है ना। तो ये चीज़ करके आप हर बॉल पे, हर मतलब कह सकते हैं शॉट पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हर शॉट पे आप पैसा लगा करके यहाँ से जीत सकते हैं, इसका नाम है बल्लेबाजी। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, फट से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, अभी मेरे कहने पर डाउनलोड कीजिए, बाकी अगर नहीं आपको समझ में आता है तो 10 दिन बाद आप छोड़ दीजिएगा, कोई आपसे खाने पीने के लिए पैसा नहीं मांगने वाला है कि भैया हमको दे तू, हम आया तेरे पास, तो है ना, ऐसा नहीं है ये, आप करिए इसको डाउनलोड, बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको सब फायदा दिलाऊंगा इस पर, ठीक है। और टेलीग्राम पर जाइए, रोज का 50,000 का गिफ्ट भी हर एप्लीकेशन में दिया जाता है, जाइए फायदा उठाइए भाई साहब उसका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये आ गया भाई सेकंड, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें फाफ अपना कैप्टनसी है, बाकी ये बहुत खतरनाक खतरनाक बैट्समैन आपको दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हैं अनुज रावत भी यहाँ पर आ चुके हैं अभी, ओके। ये सब आपको कीपिंग करते हुए यहाँ पर दिनेश कार्तिक दिखाई देंगे, बाकी ऑलराउंडर यहाँ पर दो दो लेकर चल रही है, तो ये कुछ इनका टीम है, ठीक है, तीन तीन ऑलराउंडर है भाई साहब। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन किसको किसको लेकर चल सकते हैं हम लोग। तो इसमें देखने वाली बात ये है भाई साहब कि फाफ डुप्लीसिस राइट हैंड बैट्समैन ही, ओके। और 11 मैच खेले हैं, 576 रन है, 57 के एवरेज है, 12 में 14 मैच खेल के
434 रन है और 31 का एवरेज है वेन्यू पे, एक मैच खेल के 7 रन बनाए 7 कहीं एवरेज है वेन्यू पे, ठीक है। और रिसेंट परफॉर्मेंस में 65 यहाँ पर कितना 45, 44, 17 और 62 का है, 5 का, ठीक है। विराट कोहली का देखिए, राइट हैंड बैट्समैन ये भी है, 11 मैच है 420 रन है और एवरेज 42 का रहा है यहाँ पर, हेड टू हेड में 26 का एवरेज है और वेन्यू पे 21 का एवरेज है। अगर बात करें इसमें से तो अच्छा मेरे हिसाब से एवरेज जो है कि 5 का दिखाई दे रहा है ना, 5 का एवरेज आपको अच्छा दिखाई देगा। हाँ, वेन्यू पे क्या है एवरेज यहाँ पर अच्छा है विराट कोहली का, ठीक है। और इसमें परफॉर्मेंस 1, 55, 31, 54, 0 देखिए लागू यही होता है मेरे हिसाब से, जो टीम मेरा एक्सपीरियंस है कि दोनों को भाई थोड़ा सा रिस्क रहेगा रखना। आप एक में इसको रखिए, एक में इसको रखिए और एक जो टीम बनाई उसमें दोनों को डालिए भाई साहब, ठीक है। अगर मान लीजिए विकेट नहीं गिरा चल भैया दोनों, ये जान लीजिए जब भी दोनों को रखिए तो मान लीजिए सी बी सी किक से बनाना, क्योंकि दोनों जब खेलेंगे ज़्यादा रन तो भाई ज़्यादा रन बनेगा, ठीक है। तो ऐसा आप इनको बनाएंगे क्योंकि दोनों भाई हैवी है, ओके। और उधर से भी दोनों हैवी है भाई साहब, और ट्रेंट बोल्ट उधर से जान ही रहे, फर्स्ट इनिंग में भैया उनको पावर प्ले में विकेट चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, बहुत बहुत रेयर केस में नहीं मिलता है तो हमेशा उनको विकेट मिला ही मिला है जहाँ तक मैं देखा हूँ, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल तो यहाँ पर देखिए 11 मैच है 330 रन है, 2 विकेट भी लिए हैं हेड टू हेड में, 34 14 मैच खेल करके 349 रन है, 1 विकेट सिर्फ है, ठीक है। हेड टू हेड में बॉलिंग उतना नहीं कराते हैं। वेन्यू पे 1 मैच खेल के 17 रन है और विकेट कुछ भी नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 68 है 0 है, 4 पे 1 है, 5 है, 77 पे 0 है, ठीक है। एक तो कौन तो बोला था ना ग्लेन फिलिप्स को, फाफ विराट और जी मतलब FCG था या कौन था, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा क्या था, बोला था बड़ा अच्छा लगा था यार, FVG अच्छा FBG शायद होगा, KGF शायद बोला था का तो, हाँ KGF बड़ा अच्छा लगा था सुन के भाई, KGF आउट तो सब गया, बेंगलोर गया तो सही बात है, ये KGF के ऊपर पूरा टिका हुआ, ठीक है। माहीपाल लोमड़ो भाई 9 मैच खेल कर 133 रन बनाया, ठीक है, और हेड टू में 2 मैच है 16 रन है और वेन्यू पे क्या है 7 है, फिर 67 रन बना हुआ, 2 विकेट भी साथ में लिया और रिसेंट में 1, 54, 90 पे 0 है, 3 पे 0 है, 34 है, फिर 8 है। लेकिन लोमड़ो कभी कभी चलने वाला प्लेयर है भाई साहब, ठीक है ना, हमेशा नहीं नहीं चलता था, अब हमेशा भरोसा करके इसको नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 3 भी है, ठीक है, यहाँ पर 8 भी है, तो हमेशा नहीं चलता, मैं फिर भी डिफरेंशियल के तौर पर भाई एक तो रखना ही पड़ेगा अपने को ना किसी भी हाल में, तो रख सकते हैं आप अपने में, ठीक ना। उसके बाद क्या है, दिनेश कार्तिक राइट हैंड बैटर है, 14 का एवरेज है भाई साहब, हेड टू में 30 का है, वेन्यू पे 25 का है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 30, 11, 16, 22, 16 अगर विकेट ऊपर से धड़ गिरी तब तीन का नंबर आना है, नहीं तो फिर 4 ही में मैच खत्म हो जाए, 20 ओवर होता ही क्या है यार, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अनुज रावत आप देखिएगा ऊपर में जब हम स्टार्ट किए तो कितना विकेट लास्ट गिर रहा है यहाँ पर, 6, 7, 8 विकेट कितना गिर रहा है, उसके हिसाब से अपनी टीम में आप प्लेयर को चूज करेंगे, ठीक है ना। अब भाई 6 तक गिर रहा है विकेट, अब 6 आप एक ही टीम से थोड़े ले पाएंगे, उधर से भी आपको लेकर चलना है ना, इसलिए बोल रहा हूँ ना टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, बहुत दिमाग का माता पीछे भाई, ऐसी नहीं टीम बनता है, ठीक है। मैच जो है कि 6 है, एवरेज 13 का है और एक में फिर यहाँ पर एवरेज 26 का यहाँ पर, ठीक है। एक मैच खेले हेड टू हेड में, वेन्यू पे 3 मैच खेल के 6.67 का यहाँ पर एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस में देख सकते हैं 6 है, 8 नबाद है, 9 है, फिर 15 नबाद है। अगर KGF में से भाई साहब तीनों अगर आउट हुआ तब तो इन लोगों का नंबर आएगा, नहीं तो फिर जल्दी नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि वही सब निपटा देगा सब, उतना है वो लोग पावर के, उतना बॉल खेल सकता है, 120 बॉल कोई बड़ी बात नहीं है ना, खेल सकता है आराम से। वीरांदू हसरंगा की बात करें भाई, तो 8 मैच है 33 रन है, 9 विकेट है और हेड टू हेड में 4 मैच है, रन जो है कि 24 है, विकेट कितना 4 है और वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2, 0, 1, 2, 0 किसके लिए था ये हसरंगा खतरनाक, फाफ के लिए था, किसके लिए, सैमसंग या फाफ के लिए कुछ दोनों में से था, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है। अगर सैमसंग के लिए है तो भाई साहब छोड़ ही दीजिएगा सैमसंग को मेरे हिसाब से, अगर सैमसंग को ले रहे हैं तो इनको फिर छोड़ देने का, क्योंकि दोनों में भाई टक्कर है, ओके। हर्षद पटेल राइट आर्म फास्ट मीडियम है और शायद मैं राइट एंड फास्ट मीडियम का ही बात किया था मेरे हिसाब से, ठीक है। 11 मैच में 12 विकेट है, हेड टू हेड में 11 मैच खेल करके 18 विकेट लिए हैं और वेन्यू पे 1 मैच खेल के 2 विकेट, देखिए हर्ष पटेल आ गया ना, जो राइट एंड फास्ट मीडियम शायद उसी का बात हुआ था, ठीक ना, और लेग ब्रेक का बात हुआ था, ओके, लेग ब्रेक ये भी अपना है, तो ये सबको ध्यान देने की बात है, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 0, 1, 1, 0, 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों। अब बात करें भाई विजय कुमार का, ठीक है, राइट आर्म मीडियम है ये, 6 मैच खेले 8 विकेट लिए हैं और 10 का इकोनॉमी यहाँ पर रहा है, ठीक है। हेड टू हेड में 1 मैच खेल के 0 विकेट है, 12 का इकोनॉमी है, वेन्यू पे कुछ भी नहीं है और रिसेंट परफॉर्मेंस में 2, 2, 0, 0, 1, ठीक है। वीएस को अगर ये सब बहुत कम परसेंट वाले खिलाड़ी हैं साहब, ठीक है ना, बहुत कम परसेंट इनको लेने वाले थे, ये सब लेके जाते हैं आप तो एक तरफा ग्रैंड लीग को विन करने का दम आप रखते हैं, मगर हाँ एक तरफा हार भी सकते हैं क्योंकि इन सब पे कोई भरोसा उतना ज़्यादा करना भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। जोश
हेजलवुड की बात करें भाई, 3 मैच में 3 विकेट है, हेड टू में 4 मैच है, 5 विकेट है, वेन्यू पे कुछ भी नहीं, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-1-2-2-0। अब देखिए सब कुछ मैं स्टेट्स आपके सामने रख दे रहा हूँ, बस ये देखना है या कितना आप रिस्क ले पा रहे हैं अपने टीम बनाने में, ठीक ना, वो आपके ऊपर होती है। बाकी जो मैं रिस्क लूंगा मैं आपको टेलीग्राम पर टीम दूंगा, ओके। मोहम्मद सिराज राइट आर्म फास्ट मीडियम, इसी का जलवा रहेगा भाई, राइट आर्म फास्ट मीडियम, आप चाहे सिराज हो जाए चाहे हर्षल हो जाए कोई हो जाए उसमें नहीं पता, मगर ये बॉलर का जलवा रहने वाला है। 11 मैच है, 15 विकेट है और 7 का इकोनमी है, हेड टू हेड में 8 मैच खेल के 8 विकेट है और वेन्यू पे क्या 3 मैच खेल के 3 ही विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0-1-1-1, बहुत मतलब कह सकते हैं बेकार स्थिति से चल रहे भाई साहब ये स्थिति, इस बार लगता है सुधरने वाला, 4 विकेट मिलने वाला है। राइट हैंड फास्ट मीडियम, देखिए लेग ब्रेक और राइट हैंड फास्ट मीडियम, यही दो बॉलर में जलवा रहने वाला इस बार को स्टेटस देख के लग रहा है, ठीक है। बाकी एक आठ टीम अगर बनाते हैं आप तो एक्स्ट्रा कुछ अलग भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, मगर देख करके तो यही लग रहा है इतना ही होने वाला है। बेंच प्लेयर्स, बेंच में देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर 5-5 खिलाड़ी को रखे हुए हैं, मिचेल ब्रेसल वगैरह कौन कौन सा इसमें, ठीक है, और ये आपके बेंच में है, ठीक है, ये आपके इंपैक्ट में है, इनमें से किसी को भी शहबाज खान वगैरह, किसी को भी सहमत को, करण शर्मा को, ज़्यादातर इनको खिलाते हुए मैं देखा हूँ, ठीक है, इनको भी लेकर के आ सकते हैं, ये भी बॉलिंग अच्छा कर लेते हैं, ओके। उसके बाद अगर आगे बात करें भाई साहब, तो स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर चल रहे, हाँ चल रहा है भाई साहब, डेथ स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर कौन है भाई, तो मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड और विनंदु हसरंगा, ये आपको स्टार्ट करते दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद डेथ में तो हर्षल पटेल है, विजय शंकर वेस्क है और उसके बाद जोश हेजलवुड है, ये डेथ वाले बहुत खतरनाक होते हैं भाई साहब, ठीक है। हर्षल पटेल इंपॉर्टेंट बॉलर आपके लिए हो सकते हैं, बाकी मोहम्मद सिराज जो है स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट भैया वही है, चाहे जोश बटलर चाहे तो कह सकते हैं ये सचिव जय जयसवाल अगर स्टार्ट कर रहे हैं तब, तो ये आपको प्लेयर बैटल भी देखना पड़ेगा, दोनों स्क्रीनशॉट मारे हुए, ठीक है, नहीं तो फिर से वीडियो जाकर देख लीजिएगा। हम तो यही बोलेंगे आप एक बार बॉलर का देख लीजिए रिकॉर्ड, कौन कौन कितना यहाँ पर मारा, कैसे है बॉलर, ठीक है, कितना विकेट लिया, उसके बाद ये प्लेयर स्टेटस देख लीजिएगा कितना कितना मतलब है, विकेट कितना बार लिया, जैसे कि यहाँ अगर मैं प्लेयर बैटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विराट कोहली तो शर्मा जी, अश्विन है और बोल्ट है, ठीक है, तो इनको 2 बार यहाँ पर शर्मा जी आउट किया। अब शर्मा जी कब बॉलिंग करने आ रहे हैं ये आपको पता हो तो आपका काम बन जाएगा, पिछला मैं बताया था मेरे को ध्यान में निकल गया है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा शर्मा जी कब बॉलिंग करने आ रहे हैं, ठीक है। अश्विन कब आ रहा था भाई, 1 बार लिया, ये 1 बार लिया, अगर शर्मा जी फर्स्ट बॉलिंग करने आ रहे तो 23 बॉल फेंक के 17 रन देकर 2 बार विराट कोहली का आउट कर लेते हैं, तो याद रखिएगा शर्मा जी फर्स्ट है तो विराट कोहली का आप ड्रॉप कर सकते हैं, रिस्क लेना पड़ेगा भाई साहब, किसी बड़े खिलाड़ी पर ही रिस्क लेंगे क्योंकि इनको सब लेके जाने वाले हैं, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल को कौन कौन करता है भाई, तो बोल्ट है, चहल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कह सकते हैं पावर प्ले में ही विकेट अगर गिरा, ठीक है, और बोल्ट का क्योंकि ओवर रहेगा ही रहेगा उस समय, तो 2 बार बोल्ट आउट किए हैं, चहल भी यहाँ पर 2 बार आउट किए, पावर प्ले जैसे ही खत्म होता है चहल जी का नंबर यहाँ पर आ भी सकता है, ठीक है। तो मैक्सवेल के भी बहुत खतरनाक है कह सकते हैं, यहाँ पर शर्मा जी है, फिर अश्विन है, 1-1 बार ये लोग लिए, इनसे उतना खतरा तो नहीं है मगर इन दोनों से खतरा है थोड़ा सा, फिर भी चहल को तो ठोकबो किए हैं भाई, 59 बॉल फेंक किए, 119 रन ठोक करके तब 2 बार विकेट दिए हैं, ठीक है, चहल को ठोके हैं मगर बोल्ट खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद फाफ डुप्लेसिस है, तो इनको कौन किया, बोल्ट देखे 3 बार आउट किया, तो बोले ना ये बहुत खतरनाक मैचअप है भाई साहब, इसको ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा मैच भी है और बड़े प्लेयर भी इसमें कर सकते हैं और बड़ा खतरनाक ये मैच चलेगा भी, देख सकते हैं जिसका जो मैं इतना बता रहा हूँ आपको, जो रैंक वन पे आएगा ना उसका टीम आप देख के हंसेंगे एक बार को, इतना मैं बता दे रहा हूँ, बस देख लीजिएगा मेरा बात याद रखेगा, हंसे के नहीं आप, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का टीम ही यहाँ बनेगा ना, दिमाग चक्कर आ जाएगा। फाफ डुप्लेसिस 3 बार इनको आउट किया बोल्ट, ठीक है, शर्मा जी 2 बार आउट किए हैं और चहल 1 बार और अश्विन 1 बार, मतलब स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो फास्टर अपने आने वाले हैं स्टार्टिंग में ही आने वाले हैं और स्टार्टिंग में बहुत सारा शर्मा जी यहाँ भी, शर्मा जी यहाँ पर भी है, तो ये सब चीज़ें हैं भाई साहब। दिनेश कार्तिक को कौन भाई, चहल तो 3 बार लपेट दिया भाई, शर्मा जी 2 बार, तो ये शर्मा जी बड़ा खतरनाक इसमें होने वाला है। शर्मा जी का हर जगह नाम है भैया, हर जगह शर्मा जी का नाम है, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में 2 है, फिर शर्मा जी का 2 है, ध्यान दीजिएगा शर्मा जी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये अपना टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट पिन किया ऐसे वेरीफाइड किया हुआ मिलेगा, वेरीफाइड यार मजा आ गया, कल रात नहीं मैंने चैनल को वेरीफाइड किया, ऐसे मतलब ऑथेंटिक हो गया चैनल कि हाँ अपना है ये स्पेशल, ठीक है। तो ऐसे आपको टिक लगा दिखाई देगा, हर मेरा कमेंट जो आप लोग कमेंट करते हैं ना उसका मैं जवाब दूंगा, तो उसके पीछे ऐसे लिखा होगा मेरे चैनल के पीछे से टिक लगा हुआ, कितना लगेगा कि हाँ मैं आपको रिप्लाई दिया हूँ, और बाकी जिसमें अगर टिप नहीं लगा टिक ना समझिएगा मेरा रिप्लाई नहीं गया हो, ठीक है, और नहीं मैं उसमें कुछ किया हूँ, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ जाइए तो वो मेरा नहीं है कमेंट किया हुआ, ठीक है, जहाँ टिक नहीं लगा याद रखिएगा,
ओके, ये आपको टीम यहाँ पर दिया जाएगा। टीम का चार्ज यही है भैया, लाइक और दिल हार्ट इमोजी उमोजी जो भी भेजने का, और ओरिजिनल का पहचान यही है कि भैया इसमें गोला गोला आपको मेरा वीडियो जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। ये ओरिजिनलिटी का पहचान है मेरा। उसके बाद अगर आगे बात करें तो ये आपके लिए टीम है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट धड़धड़ा करके, जल्दी 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 खटखटा करके लीजिए। हाँ हाँ भाई, देखिए यहाँ पर सैमसन बटलर, जसवाल, जेरूट और फाफ डब्ल्यू डुप्लेसिस, और उसके बाद विराट कोहली, ठीक है। चल भाई निकी अमर करो, है ना, साला कभी कभी यो धोखा देता है। तो फिर से करेंगे, सैमसन बटलर, जसवाल, रूट और फाफ डुप्लेसिस, और उसके बाद विराट कोहली, मैक्सवेल, शर्मा, सिराज, बोल्ट, हार्दिक पटेल, सॉरी हर्षल पटेल ये सबको बड़ा घबराया था यार ठीक है, हर्षल पटेल है यहाँ पर। इसमें फाफ को मैंने कैप्टन और जसवाल को अभी के लिए कैप्टन बना दिया, फाफ को बीसी बना दिया, ठीक है। बाकी मैं जो भी इसमें चेंज हो, होना ही होना भाई, ऐसा टीम तो बन नहीं पाएगा क्योंकि ये सिंपल साधारण सा टीम है, इससे हम ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। हाँ ये है कि इससे हम मिनी जेल कर सकते हैं, जो ये होता है ना, और हेड टू हेड उसको हम जीत सकते हैं, जैसे मैं रोज़ रोज़ जीतता हूँ अपना, तो ये टीम लगा के मैं हेड टू हेड जीत सकता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैं टीम है, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, फिर से ले लीजिए एक बार, चलिए ठीक है, ले लिए ना, ओके। फिर चलिए वीडियो यहीं तक रखता है, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई साहब एक लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए यार, जिससे कि लगे कि हाँ दम है, है ना, दम से अपनी वीडियो बनाने का, जाओ साला जो होगा आगे साला देख लेंगे, है ना, ऐसा आना चाहिए, ताव आना चाहिए, अभी ताव वाली उम्र है अपनी ना, ताव अभी ना, बुढ़ापा में ताव आएगा, अभी आना चाहिए, है ना, जो करना अभी कर देंगे साले को, ठीक है। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।